इसे मान लीजिए आपके पास में एक होगा गमछा ना सूती का, इससे भी हम बुता सकते हैं। अगर बाल्टी नहीं है तो इससे भी बुता सकते हैं। कैसे बुताना है, जाना है पीछे खड़ा हो जाना है, पैर को लगा देना है कि सिलेंडर मेरे तरफ ना गिरे। अगर मेरे तरफ गिरेगा तो क्या होगा कि हम ही झुलस जाएंगे। तो उसको जाना है जहाँ नोजल है, नोजल पे मारना है। कहाँ मारना है, नोजल के पास जाएंगे, जोर से मारेंगे। बुझ गया आगने? आगे बुझ गया, कुछ नहीं करना, उसको ऑफ कर देना। ऑफ कर देना, यही सब प्रक्रिया है, यही सब बताने आए हैं इसमें। लेकिन सबसे ज्यादा टफ है पाइप लगा रहने पर इसको निकालना। तो वही से जिसे आग लगता है ना, तो जब यहाँ जलेगा तो पाइप में रबर रहता है, वो रबर तो ढील होगा ही। अगर यहाँ जलेगा ऊपर में क्लिप ही लगा रहा, खींच देना। नहीं, क्लिप हर एक अथी में नहीं लग रहा था। जब पाइप जलेगा तो क्लिप अपने आप ढीला हो जाएगा, समय के साथ। तो ये भी इसका ब्लास्ट करने का टाइम रहता है 20 से 25 मिनट, तब तक से आप बहुत सारा चीज। 25 मिनट के बाद, हाँ, अभी बेनी पट्टी में कल का 2 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, हम लोग फायर कर्मी जाकर बुझाया है। पेपर देखे होंगे आप, तो देखेंगे आज का पेपर देखिए, इसमें पड़ा वाला 2 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। अगर ऐसे खुले स्थान में है, एक सिलेंडर में आग लग गया, ये गैस खत्म हो जाएगा अपने आप सिलेंडर लगेगा तब। जिस तरह से अभी जल रहा था, अगर इस तरह से खुले में रख दे तो ऐसे अपना पाइप ये हो जाएगा। लेकिन अगर लग गया और पाइप लगा हुआ, इनके कहने का मतलब है तो पाइप को निकाल देना है। पाइप को जैसे भी आपको निकाल देना है ना, पाइप जब निकाल दीजिएगा तब तो ढक के बताइए लीजिएगा। जी जी जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन तो कट करना है। वही जे तो सर बोले कि जैसे कहीं भी पहले पता है ना कि खुले स्थान पर सिलेंडर को ले जाना। जी जी जी, खुले स्थान पर सिलेंडर अगर कट है तो उसको खड़ा कर दीजिए, जिससे क्या हुआ कि गैस कभी भी आग लगता है तो खड़ा रखिए। अगर ये वाला नोजल इस पे रहेगा तो ये हिट होगा कि नहीं। जी 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 जी, तो इसको देखना है कि कर तो नहीं, इधर हो जाना चाहिए। जी जी, इससे कोई दिक्कत आप लोग समझ गए गुरु जी। जी 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 जी, छुट्टी दीजिए आगे। जी ठीक है, धन्यवाद, चलिए।